नशा दिया गया है। युवा लड़के और लड़कियां नशीले पदार्थों के कारोबार, परिवहन, बिक्री आदि जैसे नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल होते हैं। यह महानगर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ती जा रही है। तो आइए एक जागरूक नागरिक के रूप में पुलिस से हाथ मिलाएं, आइए नागपुर को नशा मुक्त बनाएं। यह अपील नागपुर के पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित ने आज एक वेब चर्चा में की। युवाओं के सामने एकमात्र समस्या ड्रग्स की है और पुलिस प्रशासन इस संबंध में उपाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक राज्य और जिला स्तरीय समिति भी गठित की गई है, जिसमें पुलिस विभाग, राजस्व, वन, सीमा सुरक्षा, राज्य उत्पादन, डाक विभाग और खाद्य एवं औषधि विभाग शामिल है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर पुलिस उपायुक्त चिन्मय पंडित अपराध शाखा नागपुर द्वारा ड्रग्स उन्मूलन और निवारक कार्रवाई में सामाजिक भागीदारी पर एक विशेष संवाद का आयोजन किया गया था। विभिन्न नशीले पदार्थों के सेवन, परिवहन आदि को लेकर पुलिस प्रशासन विभिन्न नियमों के अनुसार समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जन जागरूकता की जरूरत है। इंटरनेट की तरह डार्क नेट के जरिए भी नशीले पदार्थों की तस्करी पोस्ट के जरिए होती पाई गई, इसलिए डाक विभाग की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। साइबर सेल सोशल मीडिया पर मामले की जांच कर रही है। इसमें छोटे बच्चों के साथ साथ स्कूली बच्चे भी मिले हैं। प्रलोभन देकर इन बच्चों को अपने जाल में फंसाया जाता है। वे खुली कल्पना के माध्यम से प्रोत्साहन के शिकार हो जाते हैं और व्यसनों में बदल जाते हैं। इस लत के कारण लड़कियां पैसे के अभाव में वेश्यावृत्ति की ओर रुख करती है, फिर उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भयावह हो गई। इसलिए माता पिता को भी सतर्क रहने की जरूरत है और उन्हें परामर्श देने की जरूरत है। इन सबका प्रभाव समाज पर निश्चित है। व्यसन के कारण एड्स और कई अन्य बीमारियों के शिकार भी होते हैं। डिप्रेशन से उनके व्यवहार में फर्क पड़ता है। यह देखा गया है कि चिड़चिड़ापन, झगड़े के साथ साथ घातक परिणाम भी अपराधियों को जन्म देते हैं। इसके समाधान के लिए NTPS एक्ट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत किसी व्यक्ति को 1 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। जिला कलेक्टर ने भी दूरसंचार प्रणाली के माध्यम से इस वेब चर्चा में भाग लिया और शहर में दवाओं की उपलब्धता पर सवाल उठाए। नागपुर शहर में करीब 800 मामले दर्ज किए गए हैं। जिन जगहों पर बिक्री हो सकती है वहां पुलिस की पैनी नजर है और नियमित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में इस संबंध में की जा रही कार्रवाई की संख्या में वृद्धि हुई है और शहर को नशीले पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए और अधिक मेहनत करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अपने बच्चों, छात्रों की देखभाल और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हर स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार जिला सूचना अधिकारी प्रवीण टाके ने किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।